आदरणीय मोदी जी को मेरा नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी, झारखंड जमशेदपुर टेलको महिला मोर्चा की महामंत्री हूं। और मोदी जी, आपका हमेशा ये कहना रहता है, कहते हैं आप कि कांग्रेस जब भी आती है लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाती है और जातिवाद को बढ़ावा देती है। कांग्रेस के ये दो लक्षण हैं, जबकि भाजपा संगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर कार्य करती है। तो मेरा ये प्रश्न है कि 2019 में लोकतंत्र कैसे जीतेगा? अरे आप तो स्वयं लक्ष्मी है और लक्ष्मी तो कमल पर बिराजती है। जय लक्ष्मी जी, बैठिए। देखिए, आपका ये सवाल 2019 के चुनाव का मूल मंत्र है। ये चुनाव दो राजनीतिक संस्कृतियों के बीच का है। एक संस्कृति भाजपा की है, जहां हर काम लोकतांत्रिक तरीके से होता है। दूसरी संस्कृति कांग्रेस समेत कई दलों की है, जहां हर काम वंशवाद के आधार पर तय होता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की भूमिका कितनी विशिष्ट है, इसका अनुभव आप जैसे सभी कार्यकर्ता लगातार करते आ रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता की संस्कृति एकदम अलग होती है। विनम्रता, सादगी, सरलता और सहजता, इसी ने हमको आज यहां तक पहुंचाया है। यहां किसी भी फैसले का आधार कार्यकर्ताओं का फीडबैक होता है, कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है और लोकतांत्रिक तरीके से बात ऊपर आती है। भाजपा कार्यकर्ता जनता जनार्दन के दुख में, सुख में, हर स्थिति में सहभागी होता है। हमारी पार्टी को असली बल अपने कार्यकर्ताओं से मिलता है। यहां कार्यकर्ता ही सब कुछ तय करता है, इसलिए मेरा जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा करने का अवसर पा सकता है। हमारी पार्टी में कोई भी निर्णय इस बात से नहीं होता है कि एक व्यक्ति या एक परिवार क्या चाहता है, बल्कि हमारे यहां निर्णय इस बात से होते हैं कि कार्यकर्ता क्या चाहते हैं। लोकतंत्र हमारी पार्टी के डीएनए में है। यह एक कैडर बेस्ड पार्टी है, इसलिए पार्टी और सरकार दोनों के लिए कार्यकर्ताओं का फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके आधार पर सरकारी योजनाओं को जमीन पर साकार करना भी आसान होता है, जिसे मौजूदा कार्यकाल में हम लगातार देखते आए हैं। लोग भी यह जानते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को वे जो प्रतिक्रिया देते हैं, उन्हें वे शीर्ष नेतृत्व तक ले जाकर उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास पैसा है, या आप किसी खास जाति के हैं, या फिर किसी बड़ी परिवार से संबंधित है, तो इस बल पर भाजपा में आपके लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे, बल्कि इस पार्टी के दरवाजे आपकी मेहनत, आपके परिश्रम और आपकी लगन के बल पर खुलते हैं। भाजपा ने देश को दो प्रधानमंत्री दिए हैं, जो किसी बड़े परिवार में पैदा नहीं हुए। उनके पास कोई बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं थी, फिर भी उन्हें अपनी मेहनत, अपनी लगन के बल पर इतने बड़े पद पर पार्टी ने ही बिठाया, पार्टी ने सेवा करने का मौका दिया और पार्टी खड़ी रही तो जनता के आशीर्वाद भी मिल गए। आज अगर भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन सका है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह पार्टी के भीतर का लोकतंत्र है और अपने कार्यकर्ताओं के इसी सामर्थ्य पर ही 2019 के लोकतंत्र का महापर्व भी भारतीय जनता पार्टी के नाम होने वाला है।
मेरा आपसे आग्रह है, भाजपा की संस्कृति, भाजपा की कार्यपद्धति, भाजपा के संगठन का स्वरूप, कार्यकर्ता की भूमिका, यह सब बातें भी लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को भाजपा को करीब से देखने का और काम करने का अवसर दें। और जब जनता भाजपा और बाकी पार्टियों में अंतर समझेगी तो उनके लिए यह निर्णय आसान हो जाएगा कि देश की सेवा का दायित्व किसे दें।